रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीति, घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करनी छन्। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके स्थानीय तह निर्वाचन 2079 संपन्न भइला के बाद नौ निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग अपन अपन पालिका में पदभार ग्रहण कर चुकल बानो और अपन आवे वाला कार्यपालिका के चुनाव में भी हरेक जे भी पालिका के जिम्मेवार व्यक्ति, पालिका के अध्यक्ष, नगर के नगर प्रमुख, सारा कोई जुटल बाटे कार्यपालिका के चुनाव करिया और साथ ही साथ जनता से जो मैंडेट मिलल ए मैंडेट के कौना हिसाब से आवेला दिन में अगाड़ी बढ़िला से जनता के जौन जन विश्वास बाटे, जनता के जौन जन चाहना बाटे वो अनुसार के विकास निर्माण से लेकर के हरेक सेक्टर में एगो संतुलित विकास के अवधारणा जनता मा जाओ यही चिंतन में हर कोई व्यस्त बाटे। आम जनता के जौन जनचाहना रहे, विगत में जौन भी जनप्रतिनिधि लोग काम कैलक उसे जनता बहुत निराश रहे। कुछ जनता कहीं ना कहीं जे भी बहाल वाला विगत के जनप्रतिनिधि लोग रहे वो लोग के काम करवाई से असंतुष्ट रहे, लेकिन व्यापक परिवर्तन भइल। आज नेतृत्व परिवर्तन के कारण है कि बीरगंज में देखा जाए, खास करके परसा जिला के बात कही जाओ, 14 स्थानीय तह मधे 13 स्थानीय तह के नेतृत्व स्थानीय सरकार के जो प्रमुख लोग रहे सारा कोई बदल चुकल बाटे, यानी जनता परिवर्तन चालक। वैसे ही परसा के बहुदर माई नगर पालिका के बात कही जाओ, जहां भी आम जनता के जन जन चाहना रहे, जन भावना रहे कि नेतृत्व परिवर्तन हो को बहुदर माई नगर पालिका में नया नेतृत्व आओ और नया ढंग से विकास करो कह के जौन वहाँ के आम जनता, वहाँ के नेता लोग के, कार्यकर्ता लोग के, युवा लोग के जौन एगो चाहना रहे वो आज सफल भइल बाटे। बहुदर माई नगर पालिका में खास करके नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में रहल जनता के जन भावना के साथ अगाड़ी चले वाला युवा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के युवा चंदन यादव जी से आज हमनी के बातचीत करेम सन। और सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे चंदन यादव जी के। चंदन जी स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि खास करके देखल जाओ अभी जो ना हिसाब से आम जनता एगो नया मैंडेट देलक, जनता के जो जन चाहना रहे कि नेतृत्व परिवर्तन होके बहुदर माई नगर पालिका में भी अपने के भी आवाज रहे, अपने भी बहुत दिन से लागर नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन हो को आज उ चीज सफल भइल बाटे, कैसन अनुभूति हो रहल बा? बहुत ही खुशी के बात बा, बहुत ही अच्छा महसूस होता। हम जन भी सपना देखले नहीं चलू, सपना पहिका जन सीढ़ी हो गया सफलता के, वो हम सीढ़ी चढ़ चुकल बानी सन और अभी बहुत सीढ़ी चढ़े के बाकी बा, उसमें बहुत सारा वादा बा, बहुत सारा काम बा, उस सब सीढ़ी धीरे धीरे चढ़े के बा, पर पहिका एगो सीढ़ी के हम शुरुआत कर चुकल बानी सन और उस सीढ़ी चढ़ा देवे में बहुदर माई नगर पालिका के जनता के बहुत बड़का सहयोग बा। ये लोग के जनता के भी देन बा कि हम उस सीढ़ी पर आज कदम रख चुकल बानी सन और हमारा विश्वास बा कि हम पूरा सफलता के सीढ़ी चढ़ेम सन और चढ़ के हम एगो बहुदर माई नगर पालिका के एगो नमूना नगर पालिका के रूप में बनाएम सन। जी, आज ही जौन रुवा लगन के सफलता मिलल बा, ये सफलता में अपने भी निरंतर कहीं ना कहीं बहुत जोड़ तोड़ से लागल व्यक्ति बानी, युवा बानी, आज ही सफलता अपने लगन के प्राप्त भइल बाटे, ये सफलता के बारे में अपने आम बहुदर माई नगरवासी से का कहें?
सबसे पहले तो सब नगरवासी के हरेक आदमी के चरण चुके हम अपने ओर से प्रणाम करें और उन लोग के मुड़ी मुड़ी एकदम दिल से धन्यवाद दें कि हमी के आदरणीय चाचा सिंहासन साहब के अपने मेयर के पद में निर्वाचित करनी और उन लायक समझनी और अपन कीमती वोट देके वहां के निर्वाचित करके मेयर पद पर बिछेनी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद। जनता एगो पारखी नजर रखेला, जनता एगो बहुत ही एकदम निष्पक्ष हृदय रखेला जरा में हरेक आदमी खतरा जगह बा। अगर केहू जनता के साथ खिलवाड़ करेला तो जनता ओकरा के अपना दिल से अपना मन से निकाल सकेला, पर अगर केहू मीठ बोल के या फिर काम करके दिल जीतेला तो जनता अब के बार साबित कर दे बा कि ओकरा के जनता राजा बना सकता, ओकरा के कोनो भी सत्ता में बैठा सकता। और हमी विशेष करके हम एगो सिर्फ एगो छोटा मोटा कार्यकर्ता बनी, हमरे एगो योगदान नहीं है। हमारा ऐसा हजारों आदमी नगर पालिका में बा जे सफलता के योग्य बा, सफलता के मतलब हिस्सेदारी बा। हर एक 40,000 जनता अब हमी के हिस्सेदारी बा, 40,000 जनता मेयर बा, 40,000 जनता नगर पालिका के हर एक सुख सुविधा के अधिकारी बा। उसे हमने सबके बराबर बा और सबके ओके हमरा ओर से और पार्टी के ओर से हमारे चाचा के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बा। आज ही जोन रुआ लगन के सफलता मिलल, ये सफलता के जोन सीढ़ी रहे चुनावी देवरान के जोन कहीं ना कहीं अपने लगन की वो मेहनत रहे, वो कितना के संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा। देखिए संघर्ष तो बहुत ज्यादा रहे, तीन पक्षीय लड़ाई रहे जी, उन्हें केहू केहू से कम ना रहे। हर एक आदमी अपने स्तर पर अपने धार पर बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष कैलक, हमी के भी बहुत ज्यादा संघर्ष करनी सन। विपक्षी साथी लोग से हमारा कोनो तकलीफ नहीं के, एगो चुनाव चुनाव एगो यज्ञ जैसे नगरा देश जहाँ सबके अपना अपना हिसाब से लागेला करेला और कोई केहू सफल भी होकेला केहू असफल भी होकेला, पर असफल भेला के बाद में भी वो सफल होकेला ऐसे कि ओकरा के जहाँ 100 वोट बना वहाँ 5 वोट अगर एक आदमी के मिलता तो उनमें 3 वोट दूसरा आदमी को भी मिलेगा, 2 वोट दूसरा आदमी को भी मिलेगा, पर वोट तो ओकरा मिलता नो जनता तो ओकरा साथ में बांधू तो उसे उसी उतने ही जीत के हकदार बा। और जो जीत के प्रतिनिधि मेयर पद पर बैठेला या फिर वडा अध्यक्ष पद पर बैठेला उसी उतने ही हकदार बा, तो उसे जो हारेला ओकरा ला भी जनता बराबर होके के पड़ल और जो जीतेला ओकरा ला भी जनता एक बराबर होके के पड़ल। और हमी के संघर्ष के बात बा तो हरेक आदमी संघर्ष करला, हरेक आदमी अपना ठाव पर बहुत है अच्छा तरीका से प्रयास करला जीतेला सेवा करेला, पर मौका एक ही आदमी के मिलेला, जनता एक ही आदमी के देला और अगली बार जनता सही आदमी के देलेबा, सही व्यक्ति के देलेबा, अपना मन के हिसाब से एकदम चुन के देलेबा। तो ओकरा हम फिर से जनता के धन्यवाद देम और संघर्ष तो सब आदमी करेला, संघर्ष हमनी के करे के भी चाहिए, हरेक आदमी के करे के चाहिए, संघर्ष के बाद ही हमनी के सफलता मिल सकता। घरे बैठल अगर हम सोचेम कि हम केहू के डरवा के या फिर पैसा के दम से हम जीत जाए या फिर वोट ले लें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये 74 के चुनाव रहे जहां मेरा कुछ खा पता लोग के ना रहे, तो लोग ऐसे ही पार्टी के रूप से जाति के रूप से व्यक्ति के रूप से वोट देने लगा है, पर अब की बार के चुनाव एकदम बहुत ही स्पष्ट कर दलक कि जनता के भी बुझे के पड़ल और जनता बुझलक भी कि वास्तव में वडा अध्यक्ष के कितना तकलीफ पहुंच बा, कितना तकलीफ पावर बा, कितना अधिकार बा। अगर गलत आदमी वडा अध्यक्ष बन जाता तो कितना नुकसानी पुरिया सकता समाज के, गलत आदमी मेयर बन जाई तो कितना नुकसानी पहुंचा सकता, उप मेयर बन जाए तो कितना नुकसानी पहुंचा सकता। ये अब की बार के चुनाव में लोग 5 के दुख सुख से मूल्यांकन करके और फिर अपन वोट दिलावा। अब जैसे की अपने कहनी है की जनता बहुत चीज मूल्यांकन कैलक, ओकरा बावजूद ही जौन एगो परिवर्तन के लहर जनता में आयल, देखल जाए चुनाव के दौरान में बहुत सारा पैसा के बार्गेनिंग भइल, पैसा के बहुत सारा बौछार भइल, फिर भी पैसा एक तरफ लेकिन जनता जौन परिवर्तन देलक और बहुदर माई नगर पालिका में सिंहासन जी के स्थापित आज कैलक, वहाँ के नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित कैलक, इसे आम जनता के कहीं ना कहीं वो लोग के जौन एगो मन के बात होके के चाहिए, मन में जौना किस्म से खुशहाली होके के चाहिए। अपने लगन तो खास करके जीतला के बाद भी विजय जुलूस निकलने बानी,
जनता के घर घर में जा रहा बनी जनता के प्रतिक्रिया का बाटे जीत के बाद के देखिए जीत के बाद सब जनता खुश बा और रह बात पैसा के तो हमने पैसा से चुनाव में खुशन जीतल हमने व्यवहार से अपना बुद्धि विचार से अपना विवेक से हर एक लोग के हर एक नगर पालिका के जनता के सहयोग से चुनाव जीतल बनी सब हमने पैसा के मामले में बहुत पीछे बनी के हमने पैसा के तुलना में हमने बहुत कम बनी चल हमने पैसा जानते नहीं किसान हमने के पैसा ना के बराबर बा पर हमने के पास सच्चाई रहे हमने के पास ईमानदारी रहे और उस सच्चाई पूरा जनता समझलक और उस जनता में भी सच्चाई रहे ओके वजह से हर जनता हमने के सहयोग कैलक और आज हमने जितनी सन और द्वार पर गैया पर उस जनता खुशी से हमने के फूल माला से स्वागत कैलक और हमने के गुणगान भी कैलक और एगो अपेक्षा रखने बा कि नगर पालिका हमने के बदली हमने के सुख सुविधा प्राप्त हुई हमने के टेंट से सुकून से हमने के नगर पालिका पांच साल चली और जो भी पैसा ले रहे या फिर जो भी पैसा के दम पर चुनाव लड़ल रहे उगर हम एगो बात अपने के बता कि अपने सुन लो के या फिर फेसबुक में देख लो के कि बौद्धमय मंदिर के गेट पर कुछ लिस्ट टंगाइल बा उमें के कितना पैसा ले बा उमें निकल बा हालांकि कितना सच्चाई बा उमें कितना उमें गलत बा ई बात हम नहीं बता सको पर उमें नाम लेकिन व्यापक पैसा के चल खेल भइल बाटे अपने के पालिका में एकदम एकदम पैसा के चल खेल बहुत ज्यादा भइल बा पर पैसा एक और व्यवहार एक और ईमानदारी एक और सच्चाई एक और हमी के बुढ़ पुरनिया आदमी धर्म ग्रंथ में भी निकल बा कि सच्चाई के सत्य के जर पताल तक रहला एकदम सत्य के जर स्वर्ग तक रहला भगवान तक रहला और सच्चाई कबो भी जीतला लेट से जीतला पांच साल समय जरूर लागल तो सच्चाई के आज जीत बनी बा जी जी तो उसे पैसा के चलते बहुत बा और फिर भी पैसा एक तरफ लेकिन सच्चा ईमानदार व्यक्ति के जनता बौद्धरमाई नगर पालिका के जनता सही समय पर पहचान करके कहीं ना कहीं अवसर देलक आज नेतृत्व करेगे एकदम एकदम हम जनता के बहुत दिन जनता के भी आज बुर्बक नहीं है और हमारे बात के खुशी बा कि हमारे बहुत के जनता जे भी मैंने जे भी सुन रहा बा सब के ऊपर हम धन्यवाद दें कि बहुत माई की जनता वास्तव में हम इस मन में हुटूटी रहे कि हम के मूल्यांकन जनता करी कि ना करी पर वास्तव में अपेक्षा से ज्यादा मूल्यांकन हमने के भेल और हमने के जनता हमने के बहुमत के साथ जीतलक और साबित कैलक कि पैसा से बड़का सच्चाई होखेला अब हमी के हरेक आदमी में एगो हिम्मत आ गई बा और पैसा वाला लोग में एगो डर समा गई बा कि अगला बार अगर पैसा के दम पर हम चुनाव लड़तनी तो हमार पैसा जाई और डूब जाई हम जीतेम ना और अगर एगो ईमानदार व्यक्ति गरीब भी बा और ईमानदारी से सेवा कर तो समाज के तो ओकरा में एगो हिम्मत जरूर जागल बा कि अगर हम कुछ भी चुनाव में लड़तन कोनो पद में तो जनता हमरा के जिताई काहे से जनता ईमानदार बा जनता बुद्धिजीवी बा और ई साबित हो गेल बा के अगले चुनाव में चंदन जी अपने युवा बानी सही बात बोले से अपने भी ना डरानी हर एक बात के जोन सही रहला सही कहनी गलत के विरोध करेनी रहल बात जैसे कि आज ही जोन अपने लगने के को सफलता मिलल कितना के अपने विश्वस्त रहनी कितना के विश्वास रहे काहे कि एबरा जीत गेल बानी ओ हिसाब से ना लेकिन जीत से पहले जोना बेरा अपने लगन चुनावी मैदान में रहनी कितना के अपने के विश्वास रहे कि हमनी के अब की बार सफलता मिली देखिए विश्वास हमरा शुरू से ही रहे जैसे से हम लगनी वही दिन से रहे ऐसे रहे कहा कि हम ईमानदार बनी और हम ईमानदारी से काम कर देनी हम नगर पालिका में 24 घंटा के 18 घंटा 20 घंटा हम घूमने वाली हर एक समस्या में गई बनी हर एक समस्या समाधान कर बनी और हमारे जो खासियत बा कि हम अपना जनता से अपन सारा आवाज खुल के बता देनी हमरा पर कोनो किस्म के आरोप भी लागेला हमला भी होखेला या फिर दुख सुख भी पड़ेला चाहे कि आवाज उठाओ को ला हम अपने से जनाव चाहे कि हम अपना वीडियो के मार्फत अपना समाज के अपना नगर पालिका वासी के सब बात जना देनी और हम काल भी जनावत रही आज भी जनाएं और आने वाला जितना वर्ष हम जिये उतना वर्ष हम अपन सब समस्या और खुशहाली दुख सुख सब अपना जनता के समक्ष रखें और वही दिन हम विश्वास कर रही जनता दिन समाज में लगनी और ये हम चुनाव में लगनी उस दिन हमारा विश्वास रहे कि जनता मूल्यांकन करी काहे से जनता जनार्दन
जरूर देखा था कि के पूरा ईमानदारी के साथ लगा था, अके मुखौटा ओढ़ के, नकाब ओढ़ के, और सिर्फ 5 साल पर वोट के समय में लगा था। उन सब जनता के लोग नहीं थे, हमारा भी लोग था जी जी, जनता सब कुछ जान रहा पार्टी दोसर भी मूल्यांकन कर सकता नो, तो उसमें हमें पूरा विश्वास रहे कि अखिलो आदमी की मूल्यांकन हुई और अखिलो आदमी की सत्ता भी आई और सेवा करे के 5 साल मौका भी मिली जी। अब जैसे कि ई जोन सफलता मिलल, जनता सेवा करे के अपने लगन के एगो मौका देलक, सुनहरा अवसर देले बाटे, जनता के व्यापक जनचाहना जनाकांक्षा बाटे, बहुत सारा अपेक्षा बा अपने लगन से, जनता के ऊ अपेक्षा के कौना ढंग से अपने लगन संबोधन करे में लगन, अपने लगन के प्रतिबद्धता का बाटे, कौना ढंग से अगाड़ी बढ़े के सोच बनी बानी लगन बतावल जाओ। सबसे पहले तो हमने एगो मतलब अपन घोषणा पत्र जारी कर सन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमी 20-25 गो मुद्दा हमने रखनी सन, और हमी दूसर पार्टी के या फिर दूसर हमी घोषणा पत्र भी देखनी सन, हमें बहुत सारे 150-200-250 घोषणा पत्र में मुद्दा रहे, तो हमने सोचनी सन की बेसिक नीड जनता के काबा पहले आज से 20 वर्ष पहले रहे घास बास के पास, पर आज वो गाछ बास कपास बढ़ के बेसिक नीड में अपने बहुत ज्यादा चीज बढ़ गई बा, तो हम बेसिक नीड ही रखनी सन 20-25 मुद्दा ही रखनी सन, और हम वो मुद्दा पहले पूरा करम सन, हम लबरे के भाषण ना करम सन, हम यहाँ महल खड़ा करम सन, हम यहाँ स्वर्ग बना देम सन, हम वो सब चीज के अभी नहीं की कह सकन, कहते हम जितना मुद्दा लिखले बनी हम वो करम, जैसे शिक्षा में हम पूरा संपूर्ण सुधार करम, चंदन जी रोके के चाहे अपने के बहुदर माई नगर पालिका में विगत में देखल जाए तो शिक्षा के बात कही जाओ, स्वास्थ्य के बात कही जाओ, कृषि के बात कही जाओ, चाहे रोजगारी हो को हर एक सेक्टर में जौना हिसाब से विकास हो के चाहे हिसाब से विकास ना भइल, शिक्षा में बार बार आंदोलन भइल अपने के पालिका में, वो आंदोलन के कभी अपने भी अभियंता बनल बानी, स्वास्थ्य के उहे अवस्था बाटे। अब हम अपने से पूछे के चाहे अपने लगन के विजन का बा, जैसे शिक्षा के कौना ढंग से गाड़ी बढ़ाओ के सोच ले बानी लगन, स्वास्थ्य के कौना हिसाब से, कृषि में किसान लोग के खातिर का अपने लगन के पास योजना बाटे बताओ जा। सबसे पहले शिक्षा के योजना, हम शिक्षा प्रेमी है, हम एगो खुद पहले टीचर भी रह चुकल बानी, आज भी टीचर बानी, तो हमारे शिक्षा में ही योजना हमने के सब पालिका से द्वारा बा कि सबसे पहले जहाँ भवन के कमी बा ओकरा के जल्द से जल्द ओमे पैसा डाल के भवन निर्माण तत्काल शुरू करल जाए, ओकरा बाद में अगर कहीं मरम्मत का मार कर के और ओकरा के काम चला सकल जाता है, वहाँ मरम्मत का मार करके और तत्काल ओकरा सुधार करल जाए, टीचर के जहाँ भी कमी बा ओकरा के महीना 2 महीना के भीतर ही वैकेंसी निकाल के और कोनो भी तरह पद पूर्ति करके पूरा नगर पालिका भर से टीचर के पद पूर्ति करके और एकदम स्मूथली क्लास के रनिंग करा रखबा, और हमने जितना भी बच्चा खतरा जितना भी खाजा आवता या फिर हर एक किताब कॉपी और ड्रेस आवता भत्ता आवता वो सब हमने 2 महीना के भीतर ही पूरा बोर्ड हमने के बैठ के और जब पंचायत बजट हमने के सुचारू हो जाए ओकरा बाद से ही सेवा प्रवाह हमने करे के योजना भी लगा सन, ओकरा साथ में हमने के एगो एम्बुलेंस के काम ना चली, स्वास्थ्य के विभाग में एगो एम्बुलेंस के काम ना चली, हमने के कम से कम 2 से 3 गो एम्बुलेंस खपे के योजना हम रखले बनी सन, वरुण यंत्र जल्द से जल्द हमने के 2 महीना 3 महीना के भीतर में या फिर 6 महीने के बोर्ड से पास करके जल्द से जल्द वरुण यंत्र के भी व्यवस्था करे में हम लागल बनी सन, साथ साथ में स्वास्थ्य के जितना भी स्वास्थ्य चौकी नगर पालिका में बा अगर ओकरा के मरम्मत संभाल करे वाला तो ओकरा के जल्द से जल्द हमने मरम्मत संभाल करे सन, अगर सरकार के देवल कोटेशन से दवाई नहीं के पुगत तो ओकरा अलग से बजट छुट जाके उनमें दवाई के हमने पूरा कमी पूरा करे सन, साथ साथ में प्रसूति गृह और पोली क्लिनिक के भी हम जल्द से जल्द व्यवस्था करे वाला बानी सन, साथ में वेटनरी के एगो ही हॉस्पिटल बा जाना के वजह से पर्याप्त नहीं थे तो ओकरा ला हम एगो और वेटनरी हॉस्पिटल के सुचारू करे जा रहा बानी सन, अब हमनी के जितना जल्दी बोर्ड से सब चीज पास हो जाए अगला बजट के जो संचालन होके ओकरा बाद हम सारा कूड़ा सारा चीज हम सारे विकारे साल भर के अंदर में अपने के देखे के मिली, इस साल के बजट में ही अपने के इतना विकास और इतना सब काम शुरुआत भइल अपने के देखे के मिली, हम के विश्वास दिलाओ यानी कि अपने लगन के निर्वाचित भइला के पहिलका जोन अपने लगन के आर्थिक वर्ष होई नीति तथा कार्यक्रम जोन अपने लगन लियाम ओमे जनता के बहुत सारा परिवर्तन देखे के मिली एकदम एकदम, हमने के योजना ही रहे
हर घर 50 यूनिट चक्र हम छी कर तो एगो क्राइटेरिया बनाए एपीएल बीपीएल मतलब एगो अपने के गरीबी रेखा से नीचा और गरीबी रेखा से ऊपर जे भी बा गरीबी रेखा से नीचा जे भी पड़ता हम विशेष किस्म के सुविधा भी प्रदान कर जी। अब देखा जाए चुनाव के दौरान में बहुत सारा नेता लोग कृषि में हमने एकदम स्मूथली सबसे पहले कृषि के हमने ज्यादा अपने के प्राथमिकता दें और कृषि खतरा क्या करे पड़ल हम किसान से भी फीडबैक लेके ओकरा अनुसार के काम हम इन महीना के लास्ट में अगले महीना से ही हम शुरुआत करें सन। जी जी विगत में देखल गई बाटे चुनाव के दौरान में जोन प्रतिबद्धता नेता लोग कैलक के जनता जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित कैलक लेकिन जोन भी के प्रतिबद्धता रहे वो पूरा होके ना सकल अपने लगन के का विश्वास बाटे अपने लगन जनता से जोन प्रतिबद्धता कैले बानी जनता के साथ जोन एगो बाचा कैले बानी वो पूरा हो कह के जनता कैसे विश्वास करो जनता ऐसे विश्वास करो जी कि आदमी के एक बार चिन्हल जला बार बार राह चिन्हल जला अगर हमारा मन में खुद ना हुई हमारा काम करे के हुई तो साल भर में ही पता चल जाए कि हम काम आए वाला 5 साल निमन से करम सन या ना करम सन। जैसे हुने बिरवा को चिल्लो पाक हनु तो हुने बिरवा को चिल्लो पाक को देना एगो खान चुका वैसे ही हमने जब साल भर हमने फर्स्ट बजट जब विनियोजन हुई और जब फर्स्ट बजट के अनुसार काम कर शुरू कर दिखाई दी उ लौकी पारदर्शी रूप से कर पानी सन कि गोपनीय रूप से कर पानी सन सब जनता के दिखी हम तो ना कहें कि आगे सब कुछ हो जाए उन्हें समय लगी पर हाँ एक साल के अंदर में ही जनता के समझ में आ जाए और जनता के प्रश्न लौके लगी कि हाँ इन नगर पालिका हमने लाया कुछ करी या ना करी हम तो हनुमान जी ना आइए हनुमान जी ना आइए किसी ने चीर के दिखा दिया कि हाँ हमने के कितना योजना बा पर अगर लेकिन अपने लगन के जो नीति तथा कार्यक्रम आई इस साल के उमे प्रश्न हो जाए क्या कि नीति तथा कार्यक्रम चाहे बजट जोन भी होला एगो समाज के चाहे देश के एगो एना होला जैसे अपने लगन जोन भी योजना लिया बजट लिया 2079 खातिर अपना बहुदरमाई नगर पालिका के खातिर वो तो बहुदरमाई नगर पालिका के एना हुई उमे तो छरलंग लोग जाए कि अपने लगन के सोच का बा विजन का बाटे एकदम एकदम और हमने एगो रूम में बैठ के अपना से वो योजना ना बनावल जाए वो नीति नियम ना बनावल जाए हमने एगो सर्वे करल जाए हमने एगो तुरंत नगर पालिका पर सर्वे कर ली हर गांव में जा जाके सर्वे कर ले वार्ड वार्ड में सर्वे कर ले कहाँ कौन चीज के आवश्यकता बा वो अनुसार के योजना बनी वो अनुसार के नीति नियम बनी और जब अगर हम अभी ही जाता नहीं सन महीना में ही जाता नहीं सन तो लोग के दिखाई दी कि हाँ वास्तव में केहू हमारा से पूछे आई रह कि ना हमारा वार्ड में पूछे आई रह कि ना कि तनिक वार्ड में का चीज के आवश्यकता बा यानी कि बीतल समय में जो घर में मेयर साहब के घर में योजना बनल बीरगंज में बनल गाँव सभा बीरगंज में हो गई कागजे में हो गई वैसा ना हुई एकदम ना हुई अगर वैसन के होके जो वाला रही तो जनता इस परिवर्तन काहे करी परिवर्तन भइल बा जनता विश्वास कइले बा तो हम विश्वास काहे तोड़े हम तो खुद उस जनता के बीच में कह के आयल बनी नो कि हम अपने के सब सुख सुविधा प्रदान करें तो हम अगर उस सुख सुविधा ना देके अपना फेन पुरनके हिसाब से करी तो जनता हमरा के रास्ता में चलेगी। चंदन जी अपने लगन जोन प्रतिबद्धता जनता के साथ में कैले बनी ओकरा के निष्पक्ष रूप में पूरा करे के अपने लगन के दायित्व भी बनता काहे कि जनता कहीं ना कहीं अपने लगन के बहुत भरोसा बहुत विश्वास के साथ आज ही एगो सुनहरा अवसर देले बा नेतृत्व करे के स्थानीय सरकार के बहुदरमाई नगर पालिका में नगर प्रमुख के रूप में सिंहासन जी के विजयी बनैले बाटे और बहुत सारा अपेक्षा बा एमे अपने लगन जनता के अपेक्षा पूरा करें हमनी के भी विश्वास बाटे। रहल बात अब जैसे कि अपने के पालिका के जे भी जनता बाटे वहां लोग से अपने का कहे के चाहे जनता से हम इतने कहे के चाहे 5 वर्ष के समय कोनो छोट समय ना होला बहुत लंबा समय होला हमने के धैर्य रखे के पड़ी सब चीज एक दिन में ना हो जाए हमने के थोड़ा समय दी 1 महीना दी 2 महीना दी हमने के पूरा एकदम सिस्टमेटिक सब चीज संभाल लेवे दी ओकरा बाद अपने देखें और ओकरा बाद अपने के कहे के मौका भी ना मिली कि हर चीज करल जाम चाहे और चीज करल जाम हमने अपने के द्वार द्वार पर आके अपने के घर घर पहुंच के अपने के समस्या जान के
हमने अपने के सेवा करम सन और पांच साल करम सन इना की आगे करम सन ध्यान करम सन ऊपर से भूल जाम सन आज साल भर खाली हमने बैठ कर योजना अपने से पूछ के बनाम सन ना अभी पांच साल निरंतर अपने के सेवा में रहम सन और हमने के विश्वास बा हमारा अपने पर विश्वास बा कि हम पीछे ना हटे हमारा के जे भी जानता नगर पालिका वाले जानता चंदन यादव के हो तो ओकरा महसूस बा कि चंदन यादव जल्दी कुछ हब से बोले लगना और जब बोल देवलन तो ओकरा से पीछे हटे लगना तो हम अपने से कहतनी जब तक हम बानी जब तक हमने के सरकार बा ये स्थानीय सरकार में हमने बानी सन हमारा आदमी चाचा सिंहासन सावा तब तक कोनो भी किसी के शिकायत का मौका ना आई हमने पूर्ण अपना मन से दिल से जान से अपने नेता जी जैसे कि काहोला जीतला के बाद में मेयर साहब लोग के फोन बहुत कम उठेला वो लोग जी आदमी बा वो लोग के फोन बहुत कम उठेला का बा अपने लगन के फोन उठी जनता के खातिर की एगो बा अपने ही अच्छा सवाल कही नहीं हाँ और बता दे हंसी लगा था जी की जमुना जी ने हमने फर्स्ट डे रहे शपथ ग्रहण वही दिन हमारा इतना में जब फोन आई जी जी हमारा नोटिफिकेशन फोन ना उठे सकल मतलब फोन खोला पर लोग कंप्लेन कर लगल था और बीजी बताओ था बीजी बताओ था वही दिन हम जाके एगो नया मोबाइल दूसर किन लेनी हम दो को मोबाइल रख ले बनी डर से कि कोई एंसल में केहू फोन करे एंटी से हम बात करो तो हम तो फोन वा ना उठे तो दिक्कत हो जाए तो एंसल अलग मोबाइल है एंटी से अलग मोबाइल है यानी कि पछिलका मेयर साहब खनिया ना होई फोन उठी हरदम जनता के एकदम उठी आए वो हमरे ना चाचा के भी उठी हमने के सब आदमी के उठी चंदन जी बौद्धर माई नगर पालिका के कोनो भी जनता के जदि कहीं ना कहीं समस्या पड़ता तो अपने से संपर्क करे के खातिर जनता के अपने आपन नंबर दे सकता नहीं एकदम एकदम जनता खतरे तो हम सबसे आगे रहनी हम पूरा अपन तीन साल से लागल बनी तीन साल जनते में बिटेले बनी हमार नंबर बटे 98072464506 फिर से बता रहा काम 98072464506 और एनटीसी के नंबर बा 98550034506 फिर से बताएं 98550034506 फोन उठी अगर बौद्धर माई नगर पालिका भर के कोनो भी जनता के कोनो भी बेरा अगर जरूरी पड़ता नगर पालिका से कोनो भी किसी के हेल्प तो उतने से पहले अगर हमारा फोन करता तो हम नगर पालिका के कोनो ऐसा गाँव देखे जहाँ हमारा दो घंटा लग जाए जाए में 10 से 15 मिनट में हम वहाँ पहुंचे और अपने के समस्या का वहाँ समाधान करें जी जी फोन उठी जनता विश्वस्त रहो जी जी एकदम एकदम हम तीन साल से लागल बनी और आगे वाला पांच साल भी लागे और हम जब तक जिये जब तक राजनीति में रहें तब तक हम अपना नगर पालिका की सेवा करें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे चंदन यादव जी इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी जाते जात कुछ कहे के चाहे आम जनता से जाते जाते बस इतने कहे के चाहे कि नगर पालिका वासी लोग से कि अपने लेकिन जॉन जी कहनी बहुत ही अच्छा कहनी एकदम दिल के हम हमने के बहुत ही अच्छा लागल और हमने भी जॉन करम सन वो अपने लेकिन के भी अच्छा लगी एक बात का हमारा विश्वास बा और हमने पांच साल एक दूसरे के साथ पकड़ के चल जाम और हमने साथ मिल के अपना नगर पालिका के एगो नमूना नगर पालिका के रूप में बनावा जाम और हमने के एक दूसरा के समस्या अपना में साझा कर लिया और एक दूसरा के मदद करके आगे बढ़ल जाम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने के धन्यवाद धन्यवाद जी नमस्कार आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत सौर छलफल खास करके स्थानीय सरकार में अभी देखल जाए तो नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग अभी अपन पदभार ग्रहण कैले बा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग से आम जनता के बहुत सारा जन अपेक्षा सब बाड़ सन समाज के परिवर्तन वैसा ही अभी परिवर्तित समय के मांग अनुसार आम जनता के इच्छा और चाहना जौन बाटे असीमित बाटे ये असीमित इच्छा चाहना के बावजूद भी जनता के जौन मैंडेट देहल गई बाटे वो मैंडेट पूरा करे के भी अभी के बहाल वाला जनप्रतिनिधि लोग के खातिर बहुत बड़ा चुनौती भी बाटे और विगत के जौन स्थानीय तह के जे भी जनप्रतिनिधि रहे अभी देखल जाए अभी के नतीजा जौना हिसाब से वहाँ के जनता परिवर्तन कैलक ये हिसाब से यदि अपने जनता के मन मुताबिक काम नहीं करत जनता के जन भावना बमोजी में अपने चले नहीं खी सकत तो अपने भी आवे वाला पांच साल के बाद अपने के भी जनता अलविदा कही ये एकदम गारंटी बाटे ऐसे जनता की जन भावना जनता के जौन भी सलाह सुझाव बाटे वो अनुसार से जे भी
अभी के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगाडि बढ़ता तो आवेला दिन भी ओकरा खातिर अच्छा हो सकता। ये हमने कहे के चाहम सन कि जनता के जौन भी मैंडेट बाटे चुनावी दौरान में अपने जौन भी प्रतिबद्धता जनता से कैले बानी उ प्रतिबद्धता के उ बचा उ बंधन के पूरा करी। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत और छलफल खास करके हमनी के परसा के बहुदर माई नगर पालिका में जहां नेतृत्व परिवर्तन भइल आम जनता के आम बहुदर माई नगर पालिका के बासी लोग के जन चाहना जौन रहे कि विगत के जनप्रतिनिधि के काम करवाई से असंतुष्ट जौन जनता रहे आज सिंहासन शाह जी के नेतृत्व में एगो नया स्थानीय सरकार स्थापित कैले बाटे और नया नेतृत्व करे के अवसर देले बा। ए अवसर के सबको ही बहुदर माई नगर पालिका के जितना भी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग बा ईमानदारिता के साथ बहन करी ये हमने के भी आशा और विश्वास रखले बानी सन। आज बहुदर माई नगर पालिका के अवस्था और भावी दिन में का रणनीति बा जनता के जौन जनभावना बाटे उ जनभावना कौना हिसाब से अगाड़ी बढ़े के बा लगायत विभिन्न विषय पर बातचीत कैनी सन और आज के सवाल जवाब में हमनी के सहभागी कर लेनी सन बहुदर माई नगर पालिका के जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता चंदन यादव जी के वहां के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे विशेष धन्यवाद तमाम श्रोता लोग के कार्यक्रम सुननी एक धन्यवाद देम और खास करके हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक पहुंचाओ में प्राविधिक ओर से साथ देनी प्राविधिक मित्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी प्रणाम। I'm